तो 21 जूनना आठमा विश्व योग दिवस की उजवणी माटे आजे भावनगर कलेक्टर द्वारा इस्कॉन क्लब खाते प्रेस कॉन्फरेंस योजी हती, जेमा विश्व योग दिवस की उजवणी की रूपरेखा आपवामां आवी हती। तो आजादी ना अमृत महोत्सव चाली रह्यो छे, जेमा गुजरात में 75 ऐतिहासिक स्थलों पसंद करवामां आवे छे, जेमा भावनगर जिला में वेळावदर हस्तगिरी अने नीलमबाग पेलेस पर योग उजाशे। त्यारे भावनगर कलेक्टरे वधुमां जणाव्युं के जिला कक्षानो कार्यक्रम सिद्धसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाते योजाशे अने महानगरपालिका में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में योजाशे, तेमज शहेरना तमाम वोर्ड में तालुका कक्षाए शैक्षणिक संस्थाना लगभग 1500 सेंटर शहेरना आइकॉनिक स्थलों जेवा के पील गार्डन, बोरतलाव, विक्टोरिया पार्क, डीएसपी ग्राउंड आदि स्थलों पर योजना आवशे। त्यारे कोविड गाइडलाइन पूरेपूरु ध्यान में राखवामां आवशे अने राष्ट्रीय कक्षानो कार्यक्रम मैसूर में योजाशे, ज्यारे राज्य कक्षानो कांकरिया अमदावाद में योजाशे अने प्रधानमंत्री अने मुख्यमंत्री लाइव टेलिकास्ट संबोधन बाद सवारे 7 થી 7:45 सुधी योग सेशन योजाशे। त्यारे भावनगर जिल्लामां अंदाजित 5 લાખથી વધુ લોકો યોગ સેશનમાં જોડાશે તેવી સંભાવના છે અને આ કાર્યક્રમમાં ભાવનગર પોલીસ અધિક્ષક ડોક્ટર રવિન્દ્ર પટેલ, ડીડીઓ પ્રશાંત જિલોવા હાજર રહ્યા હતા। 20 જૂન 2022 દિવસે આપણ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી બહોળા પ્રમાણમાં કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। આ વર્ષે યોગ દિવસની જો થીમ છે એ છે યોગા ફોર હ્યુમેનિટી, માનવતા માટે યોગા। तो अपना ग्राम्य कक्षाए थी लईने महानगर पालिका कक्षा सुधी, तेमज तालुका थी लईने जिला कक्षा सुधी, नगरपालिकाओं में महानगरपालिकाओं में बधी जगह पर अपन वधारे थी वधारे लोको योग में पार्टिसिपेट करे ए माटेनुं आयोजन करवा माटे आजे अहीं अधिकारी पदाधिकारी स्वैच्छिक संस्थाओं आ बधानी एक मीटिंग बोलावामां आवेल हती। अहीं आवेला घना बधा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जुदा जुदा प्रकारना सजेशन्स पण आप्या छे, जे अमे अमारा विश्व योग दिवसनी उजवणीना कार्यक्रममां इन्क्लूड करवा माटे जई रह्या छे। अने हुं भावनगर जिल्लानी बधी जनताने अपील करूँ छूं, योग जो छे ए अपना पोताना माटे कायमी धोरणे आपनुं जीवन सरळ, सुगम, स्वस्थ बनावा माटेनुं छे, तो एने आपण अपनावीए अने विश्व योग दिवसनी जो उजवणी करवा माटे आपण जई रह्या छे एमां वधारेथी वधारे लोको पार्टिसिपेट थाय एवी हुं आप सौने विनंती करूँ छूं। सिद्धार्थ गोगारे साथे लाइव 24 न्यूज़ भावनगर।